झारखंड विधानसभा चुनाव में है 1.5 साल का इंतजार। बीजेपी को बाहर करने के लिए विपक्ष गठबंधन को तैयार। क्या गठबंधन के सहारे होगी विपक्ष की नैया पार। झारखंड में चुनाव होने में अभी लगभग 1.5 साल का वक्त बचा है, लेकिन विपक्षी पार्टियां सत्तारूढ़ दल बीजेपी को पटकनी देने के लिए एकजुट होने के प्रयास में हैं। इसी कड़ी में विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं। झारखंड के मुख्य विपक्षी दल जेएमएम का मानना है कि उनके पास विधायकों की संख्या अन्य विपक्षी दलों की तुलना में ज्यादा है और 2 पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसे में गठबंधन का नेता उनकी पार्टी से होना चाहिए। नहीं तो फिर कैसे झारखंड का? देखिए, इस संदर्भ में सेंट्रल कमेटी या सेंट्रल के जो लोग हैं सब कोई मिलजुल के आपस में बात कर रहे हैं कि सब कोई मिल के एक महागठबंधन बना रहे हैं, और महागठबंधन बनने से निश्चित रूप से इस क्षेत्र का और यहाँ जो है हम लोग राजनीति में सबसे आगे और जो ये सरकार है इसको हराने का नीतीश कुमार निश्चित है कि हमारे यहाँ अभी सबसे बड़े दल हम लोग हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन एक सहयोग सब पार्टी का होना चाहिए कि सब कोई मिलजुल के ये गठबंधन है उस अपने तरीके से। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झारखंड में विपक्षी एकजुटता के लिए प्रयास करते रहे हैं, और पेच भी यहीं आकर फंस जाता है क्योंकि नीतीश कुमार गठबंधन का नेता झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेवीएम नेता बाबूलाल मरांडी को बनाना चाहते हैं। वहीं जेएमएम इस बात को पचा नहीं पा रही है। जेएमएम नेता नलिन सोरेन का कहना है कि नीतीश कुमार जब इस मामले पर सभी दलों के साथ बैठेंगे तो वो उनसे अपनी बात मनवा लेंगे। देखिए, अभी तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब बैठ के बात होगा सब पार्टियों के साथ, विरोधी जितना भी है विरोधियों के साथ बैठ के बात होगा, तो उसी पर होगा कि कौन रहेगा, कौन किसके नेतृत्व में काम होगा, किसके नेतृत्व में ये राज चलेगा, ये उसी समय नहीं है। किसके नेतृत्व में आपके नज़र से चलना चाहिए? देखिए, अभी तक तो हम लोग में ज़्यादा संख्या में नेतृत्व शिबू सोरेन नहीं होना चाहिए। वर्तमान विधानसभा में कांग्रेस के सिर्फ 3 ही विधायक हैं। ऐसे में आगामी चुनाव में कांग्रेस गठबंधन के सहारे चुनावी बैतरणी पार करना चाहती है। यही वजह है कि कांग्रेस अभी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर कुछ बोलना नहीं चाहती है। कांग्रेस तो यही चाह रही है कि किसी तरह गठबंधन बन जाए जिससे कि अगले चुनाव में कुछ ज्यादा फायदा मिल सके। के दिनों में जिस प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा जो भी जनता के प्रतिकूल निर्णय लिए गए, चाहे वह स्थानीय नीति हो, सीएनटी एसपीटी में संशोधन का मामला हो, इन तमाम बिंदुओं पर अभी हाल में ही 2-4 दिन पहले ही तमाम सामाजिक संगठन और जितने भी राजनीतिक दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आजसू के इतर इस राज्य में राजनीति करते हैं, उनकी एक समन्वय बैठक हुई थी। आने वाले दिनों में आपका इसका परिणाम बताएगा। अभी वो मुद्दा नहीं है कि कौन लीडर होगा। गठबंधन बनने की स्थिति में ये तो साफ है कि वर्तमान में जिस पार्टी के ज्यादा विधायक होंगे उस पार्टी को माइलेज मिलना तय है। बहुमत मिलने की स्थिति में गठबंधन के नेता ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और ऐसे में जेएमएम का पलड़ा अभी फिलहाल भारी दिखता है क्योंकि वर्तमान में संख्या बल जेएमएम के पास ज्यादा है। हालांकि ये सिर्फ कयास है, ये तभी संभव है जब सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर आगामी चुनाव में बहुमत प्राप्त कर लें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और गठबंधन बनने से पहले ही बिखर जाता है तो फिर क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। पंजाब केसरी टीवी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा की रिपोर्ट।